गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स मी सृष्टि। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही फैंटास्टिक, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ पार्लर फॉर पैम्परिंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है। बर्थडे 23 को है एंड आई नो कि बर्थडे फैशन हॉल वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि पार्सल्स मुझे रिसीव हुए नहीं है। तो जैसे ही रिसीव होंगे वैसे ही बर्थडे फैशन हॉल वीडियो आएगा और बर्थडे व्लॉग भी आएगा। तो इस वीक में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स पैम्पर माय सेल्फ। सो गाइज, हम लोग जा रहे थे पार्लर, लेकिन उसी के पास एक मंदिर था तो सोचे वहाँ भी चले जाएँ भगवान का आशीर्वाद लेने। भगवान का आशीर्वाद लिया, पहुँच के पार्लर। पार्लर में हुआ हेयर वॉश, मसाज क्रीम अप्लाई हुआ, फिर मसाज हो रहा था, मैं मसाज बहुत इन्जॉय कर रही थी और मम्मी अपना फेशियल डिटान क्रीम पैक लगा कर वेट कर रही थी कि प्रोसीजर कब कंप्लीट होगा, और मैं तब तक अपने मसाज को एंजॉय कर रही थी। और गाइस, आप लोग टेंशन मत लो, मेरी बाल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैं जब भी हेयर स्पा करवाती हूँ ना, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का ब्रेक लेके ही करवाती हूँ, ताकि मेरे बाल ख़राब ना हो और कुछ भी बाल में डैमेज ना हो। उसके बाद मेरे बालों को स्टीम दिया जा रहा था, ये प्रोसेस भी रिलैक्सिंग था बट उतना ही था, लिटिल बिट बोरिंग ऑल्सो। तो ये सब कुछ जो भी मैं करवा रही हूँ ना, हेयर स्पा और जो भी मुझे मेरे बर्थडे पे सब कुछ मिल रहा है ना, वो सब मेरे पापा मम्मी के वजह से मिल रहा है। और ज़्यादा मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे बर्थडे पे मुझे हर वो चीज़ देते हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर उनको थैंक यू वेरी मच पापा बोलना चाहूँगी, एंड आई लव यू टू। तो उसके बाद मैं घर आ गई, और घर आने के बाद फाइनल लुक दिखाया, और हाँ गाइस, हेयर कट भी करवाया था मैंने। तो लुक देख के बताना कॉमेंट में कैसा लगा।